गाइस, अगर आपको भी सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो डेफिनेटली आज मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बताने वाली हूँ जो आपको हाथों हाथ रिजल्ट देंगी। रेगुलर बेसिस पे आप इनको फॉलो करिए और कुछ ही दिनों में आपका सर्वाइकल का पेन काफी हद तक कम हो जाएगा। अल्टीमेट रिजल्ट तब हमें मिलता है जब हम उसको अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी रखते हैं, है ना, किसी भी चीज़ की। और उससे पहले डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूँ, उस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है क्योंकि आजकल के टाइम में सर्वाइकल का जो पेन है उसका बहुत बड़ा रीजन है स्क्रीन टाइमिंग। यस, स्क्रीन टाइमिंग, हम लोग अल्टीमेट तरीके से पूरा दिन हम लोग फोन में लगे रहते हैं या फिर सिस्टम में लगे रहते हैं। बेसिकली सिस्टम का भी एक आपका आई कॉन्टैक्ट का लेवल होता है, लेकिन जब हम फोन यूज करते हैं तो हमारी नेक प्रॉपर डाउन रहती है और ऐसे हम कई घंटों तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा हाथ की नसें जाम होती हैं और पीछे आपका प्रॉपर सर्वाइकल का आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को न्योता दे देते हैं, राइट? तो आपने क्या करना है, जब भी फोन यूज करना है तो उसको इस लेवल में रखना है और हर थोड़ी देर बाद रेस्ट लेना है। आपको 10 मिनट से ज्यादा अपने फोन को यूज नहीं करना, उसके बाद हाफ एन आवर का रेस्ट लें, देन दोबारा से आप उसको रीयूज कर सकते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बच्चों का भी ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे भी आजकल, छोटे बच्चे जो हैं उनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम होने लगा है क्योंकि वो बहुत देर तक फोन पे गेम्स खेलते रहते हैं, तो आपने उनको भी सब चीज़ें करने से रोकना है, ठीक है? चलिए आज का बेहतरीन सा वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज मेरी प्यारी सी फैमिली, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इन क्रियाओं को फॉलो करेंगे और जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली क्रिया के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे बैठ जाना है और कोशिश करनी है कि जब भी आप बैठते हैं तो आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से डाउन करके नहीं बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ठीक है? जिससे कि आपकी नसों में एक खिंचाव रहेगा, प्रॉपर आपका अलाइनमेंट सही रहेगा, क्योंकि जब हम बेंड होके बैठते हैं, नॉर्मली जब ऐसे करके बैठते हैं तो हमारा नेक डाउन रहता है, जिससे कि आपकी बॉडी का अलाइनमेंट खराब होता है और फिर आपको नेक हम की भी प्रॉब्लम होती है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, ठीक है? अब इसके साथ हमें क्या करना है, बिल्कुल स्लो मोशन में हमें अपनी नेक को इस तरीके से साइड बेंड करना है, 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, पूरा खिंचाव आपको फील होगा, काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रेट, देन अदर साइड 1, 2, 3, 4, 5। जब आप बेंड कर रहे हैं मेक श्योर कि अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर है तो आपने क्या करना है, बेंडिंग के टाइम बहुत स्लो मोशन में आपने अपने आप को नेक को मूवमेंट देना है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, आपको लगेगा इससे आपका पेन और ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी स्टिफ हो गई है, नेक बिल्कुल स्टिफ हो गई है, तो उसको जब हम मूवमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेन करेगा, ठीक है? चलिए अब इसको हमें कितनी बार रिपीट करना है, एटलीस्ट 3-3 दफ़ा हमें राइट साइड, 3 दफ़ा ही हमें लेफ्ट साइड इसको परफॉर्म करना है और 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। चलिए रिलैक्स, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, नेक को हम आगे की तरफ बेंड करेंगे, देन पीछे की तरफ बेंड करेंगे, ठीक है? जितना आपसे हो सकता है उतना ही आपने झुकाना है, थोड़ी को ट्राई करना है आपकी चेस्ट से टक करने का, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे फ्रंट, देन बैक, 5 सेकेंड्स होल्ड, मेरे साथ साथ करते जाइए, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगेन फ्रंट, यस, देन बैक, ठीक है? रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और हो सके तो आंखें बंद करके आराम से करें, शांत वातावरण में आपका माइंड भी बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा, ठीक है? ये तो हमारी फर्स्ट क्रिया होगी जिसमें हमें ये चारों तरीके से अपनी नेक को रोटेट करना है, राइट? अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी दूसरी क्रिया की तरफ। अब बारी आती है सेकेंड एक्सरसाइज की, जिसमें अपनी बॉडी को हमें बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है? सीधा रखने के बाद में हमें अपने वन आर्म को पीछे लेकर जाना है और अच्छे से बेंड करना है। आप देख रहे हो शोल्डर मेरा पीछे की तरफ प्रॉपर खिंचाव है। अब जिस साइड शोल्डर है ना मेरा बेंड, जो मेरी बाजू पीछे की तरफ बेंड है, ऑपोजिट साइड हमें नेक लेके जाना है। ऑपोजिट साइड करने पर आप जब मेरे साथ कर रहे हो तो आपको फील आ रहा होगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खिंचाव फील हो रहा है ऑपोजिट साइड, ठीक है? देख रहे हो बाजू मेरा ये वाला बेंड है और नेक मेरा लेफ्ट साइड पर है।
5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अदर आर्म पे करना है. अब लेफ्ट बाजू हमारी पीछे जाएगी और राइट नेक हमारी राइट साइड बेंड रहेगी. 5 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब. जब आप शोल्डर को पीछे करते हैं तो आपका प्रॉपर खिंचाव आपको फील होता है. अब कितनी दफा करेंगे, हम करेंगे इसको 3 दफा राइट साइड, 3 दफा हम करेंगे इसको लेफ्ट साइड. रिलैक्स. ठीक है, अगेन अब हम राइट पे करेंगे. नॉर्मल जो आपका अदर हैंड है वो आपके नीज पर रहेगा, साइड पे रहेगा, मतलब फ्रंट पे रहेगा, कहीं पे भी रख सकते हैं. रिलैक्स. ठीक है, यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. लास्ट क्रिया की तरफ बढ़ने हैं, वो भी ध्यान से करना है. ये मत सोचेगा कि एक कर ले चलेगा, नहीं नहीं, तीनों करनी है. जो बताया जा रहा है कंप्लीट वीडियो में एग्जैक्टली फॉलो करना है. ठीक है, चलिए अब थर्ड क्रिया पे आ जाते हैं. उसके लिए भी हमें बिल्कुल सीधा बैठना है. सीधा बैठने के बाद में आपने अपने पंच बना लेना है, हैंड को इस तरीके से फोल्ड करना है, चिन के नीचे आपको प्लेस करना है और आपको बेंड करना है. अपनी नेक को ना प्रेशर देना है आपने. ठीक है, मतलब आपने अपने हैंड को पुश करने का ट्राई करना है और हैंड को आपने स्टेबल रखना है, उसको नीचे नहीं खिसकाना लेकिन नेक से दबाने का ट्राई करना है. देन अब हम क्या करेंगे, वन हैंड यहाँ पे प्लेस करेंगे, देन पीछे लेकर जाएंगे, सपोर्ट देंगे नेक को और बैक साइड. 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, देन फिर फ्रंट पे पुश करेंगे, अगेन बैक साइड और इसको हम 3 दफा रिपीट करेंगे. रिलैक्स. ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, तीनों चीजें. देखिए, जब मैं वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको 3-3 दफा करना है, ये मिनिमम है, लेकिन आपको डे बाय डे इसको अपने से खुद से इंक्रीज करना है. ज्यादा टाइमिंग देंगे, ज्यादा बॉडी का ख्याल रखेंगे तो रिजल्ट भी आपको ही देगी, बट ऑब्वियस है ना. तो यहाँ भी आपकी सारी क्रियाएं कंप्लीट होती है. गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो बेहद पसंद आया होगा. ऐसे कुछ यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अपनी ईशा को प्यार दें, प्यार देने के लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को सेव करें. साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी मुझे प्यार देने के लिए आ जाया करें, आए ऐशा मेहरा. मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ. गुड लक.